Leva nega. Hey, samba no vai ti basta ya me goya ho. Hame ji tu mana ho. Kokde vanega. मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा, हमारे मुकेश बिरवा जी, जो कि झारखंड से आए हुए हैं और वे बहुत ही सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका परिचय देने के लिए मैं फिर से मैडम जूही प्रियंका होरोज जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे उनका परिचय दें। थैंक यू बेंजामिन। मिस्टर मुकेश बिरवा, एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, हेल्स फ्रॉम हो आदिवासी कम्युनिटी एंड इज फ्रॉम चाईबासा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। He is engaged with Adivasi self-rule in Kolhan area with traditional socio-cultural leaders. In Indian history, British had granted Wilkinson a separate rule recognizing the Manki Munda as the village chief for areas of self-governance. Once the self-governance is recognized based on 5th schedule and 6th schedule of the constitution together with Pesa Act, Forest Rights Act and Lands Rights Act, we can protect our natural resources. He says so. Today, Mukesh Birwa ji will speak on burning issues of tribal land, forest, water, acquisition by the central and state governments and the status of the constitutional provisions. Pesha se engineer, श्री मुकेश बिरवा हो आदिवासी समुदाय से हैं और झारखंड के सिंहभूम जिले के चाईबासा से हैं। वह पारंपरिक सामाजिक सांस्कृतिक नेताओं के साथ कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी स्वशासन के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों ने विल्किंसन को एक अलग शासन की अनुमति दी थी जो मानकी मुंडा को स्वशासन के क्षेत्रों के लिए ग्राम प्रधान के रूप में मान्यता देते हैं। एक बार सेल्फ रूल को पेशा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट और लैंड राइट्स एक्ट के साथ संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के आधार पर मान्यता मिले जाने पर हम अपने प्रकृति संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा वह कहते हैं। उनके वक्तव्य के विषय है आदिवासी ज्वलंत मुद्दे, जल जंगल जमीन, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण और संवैधानिक प्रावधानों की स्थिति। हम इस वेबिनार में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, श्रीमान मुकेश बिरवा जी। सब उनको जोहार 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 जोहार। मैं अपनी बात रखना शुरू कर देता हूँ, समय भी कम है। सबसे पहले ये मैं एक धन्यवाद MMP जो माइंस मिनरल पीपल है, एक ग्रुप है, उसको मैं देना चाहता हूँ। दिल्ली में उन्हीं के मीटिंग में पहली बार ये सोचा गया कि एक आदिवासियों का समन्वय बनना चाहिए, तो हम आदिवासी अगुवाकर्ता लोगों ने उसमें पहली दफा हम लोग बैठ के ऐसे एक समूह की सोच रखी थी जो कालांतर में आदिवासी समन्वय में भारत के रूप में आई। अब मैं अपने विषय पे आ रहा हूं। एक रामदयाल मुंडा जी का कथन है कि आदिवासियों के खिलाफ एक युद्ध जो लगातार लड़ा जा रहा है जिसका नाम विकास है, ये रामदयाल मुंडा जी ने कही थी। इसी विकास ने आदिवासियों की जल जंगल और जमीन के साथ हमारी भाषा, हमारा संस्कृति, अध्यात्म और सामुदायिक पहचान को आज खतरे में डाला है। इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी धाराएं होती है जो हमारे जंगलों से, पहाड़ों से निकलती है, जो बिल्कुल शुद्ध होती है, पीने लायक होती है। जब मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो कभी गंगा, तो कभी नर्मदा, तो कभी दामोदर बन जाती है, जो पीने लायक नहीं होती है, प्रदूषित होती है, लोग अशुद्ध भी कह जाते हैं। आज वही इसकी पहचान बन जाती है, वही आज मुख्य धारा हो जाती है। अब सवाल ये कि छोटी बड़ी जो धाराएं जंगलों से, पहाड़ों से निकल रही है, अगर वो ना होती तो क्या मैदान में इन नदियों का अस्तित्व होता? हमारे लिए जंगलों से, पहाड़ों से निकलने वाली जो धाराएं हैं, जो शुद्ध है, साफ है और पीने लायक है, वही मुख्य धारा है जिसे समाप्त करके, और समाप्त करने के लिए जो युद्ध हमारे ऊपर में थोपा गया है, वही ये लोग विकास कहते हैं जो अशुद्ध है और प्रदूषित है। तो हमको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि ये विकास का क्या डिफिनेशन है। ये विकास के लिए जमीन चाहते हैं, विकास के लिए इंडस्ट्री चाहते हैं, विकास के लिए माइनिंग चाहते हैं, लेकिन हमारा एक भी आदिवासी इतने दिनों में कोई लखपति, करोड़पति या उद्योगपति बना है?
तो इसका शायद एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। तो आदिवासियों के लिए विकास एक त्रासदी की ही तरह है, जिसे आदिवासियों को अपने जल जंगल और जमीन से विस्थापित कर एवं उनकी प्रकृति के साथ अन्योन्याश्रय संबंध जो है उसे विच्छेद कर प्राप्त किया गया है और अभी प्राप्त किया जा रहा है। प्रकृति के साथ हम आदिवासियों का जो संबंध है वो पराभौतिक आध्यात्मिक किस्म का है, इसको सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल रिलेशन कहते हैं। ये साधारण लोग जो भौतिक तरीके से या से कमोडिटी की तरफ जल जंगल जमीन को देखते हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी मुख्य धारा शुद्ध है, इसे समझना जरूरी है। हमारी मुख्य धारा वो मैदानी इलाकों की नदियां नहीं है, हम शुद्ध लोग हैं। विस्थापन का दायरा आज काफी बड़ा हो गया है, ये सिर्फ जल जंगल जमीन से नहीं है, वो आज हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, अध्यात्म, पारंपरिक ज्ञान और स्वशासन आदि जितने भी हमारे प्रतिदिन की गतिविधियों को हमसे छीना है, बेदखल किया जा रहा है, ये भी हमारा एक विस्थापन है। अगर हम अपनी भाषा नहीं बोल पाते हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश ही बोल पाते हैं, तो ये हमें भाषा से हम विस्थापित हुए हैं, इसको समझना जरूरी है। 2011 की सेंसस में 10 करोड़ 39 लाख का हमारा पॉपुलेशन दिखाता है, जिसमें सिर्फ 7% आदिवासियों ने ही माना कि जल जंगल जमीन के साथ अपनी परंपराओं को जिंदा बचाए रखने के लिए वो प्रयासरत है। 93% आदिवासी अपने मुख्य धारा से भटक कर गैर आदिवासियों के मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो आंकड़े तो हम लोग बहुत निकाल लेते हैं, हम अभी विस्थापन का आंकड़ा देख रहे थे, तो 90 तक का आंकड़ा 85 लाख आदिवासी पूरे देश में विस्थापित हो चुके हैं। उसके बाद का आंकड़ा कई कारणों से बहुत डेविएशन है, लेकिन मान के चलते मान लिए 1 करोड़ ही हैं। तो अभी हम लोग 12 करोड़ 13 करोड़ जितने भी हैं उसमें 1 करोड़ तो हम विस्थापित हो चुके हैं, जिनकी अपनी भाषा संस्कृति कुछ भी नहीं होगी, वो कहाँ हैं इसका सरकार भी जवाब नहीं देती है। तो अभी हमारे लिए जरूरत है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस के ये में हम अपने समाज को पे बैक करें, ये हम प्रण करें। हम सिर्फ समाज में रहने भर से, मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि समाज में रहने भर से आदमी सामाजिक प्राणी नहीं होता है, समाज के लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत है। और ये जो जितने भी प्राकृतिक संपदा है, जल जंगल जमीन, ये हमारे लिए संपदा नहीं है, ये हमारी विरासत है, इसे हमको ठीक से समझना होगा। ये विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, ये खरीदी या बेची नहीं जा सकती है। लेकिन आज हम इसे संपदा के रूप में सरकारों ने अपने कानूनों में बांध दिया है और हमें जबरन मजबूर किया जाता है कि इसे आप भी माने। आदिवासी प्राकृतिक रहवासों को बनाए रखने में सबसे सक्षम कैरेक्टर है। आज हम देखते हैं प्रकृति से जो छेड़छाड़ का जो खमियाजा हम कोरोना के रूप में देख रहे हैं, ये एक छेड़छाड़ का नतीजा है। प्रकृति को अगर रहने लायक बचाना है तो आदिवासी को ही सामने आना होगा। और अगर हम देखते हैं कि इस अब पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम में हम देखेंगे कि आदिवासी लोग पूरे विश्व में जिन जिन जगहों पर रहते हैं वो जगहें इस दुनिया की सबसे सेफेस्ट जोन है, सुरक्षित इलाके हैं। हमने कई आपदाओं को बारे में न्यूज सुनते हैं, कहीं बादल फटता है लोग मरते हैं, लेकिन आदिवासी नहीं मरता। तूफान आता है लोग मरते हैं, आदिवासी नहीं मरता। सुनामी आता है लोग मरते हैं, आदिवासी नहीं मरता है। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हम सबसे सुरक्षित जोन में इस दुनिया में बसे हैं। वो ऐसे जगह है जो कि हमारे पूर्वज तो प्रकृति को हमसे ज्यादा बेहतर समझते थे, तो उन्होंने ऐसे जो जगह जो सुरक्षित नहीं है उनको छोड़ दिया। तो उसी सब जगहों में आ रहे और अनार जो भी लोग आ गए तो बस गए, वो लोग समझ रहे हैं कि हम सुरक्षित जगह पे अच्छे जगह पे हैं, आज उनके साथ त्रासदिया। तो अब मैं अगला पॉइंट संवैधानिक ये मैं ये रखना चाहता हूं कि ये जो स्वशासन है ये आदिवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे प्रशासन के द्वारा विस्थापित किया गया है, इसको भी समझने की जरूरत है। स्वशासन और प्रशासन, 1830 में लॉर्ड मेटकाल्फ जो समय का कार्यकारी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो लिखते हैं कि भारत देश की बुनियाद यहाँ की ग्राम सभाएं हैं। यहाँ के लोग एक जगह पर मिलते हैं, सारा गांव के लोग वहां पर बैठ के निर्णय करते हैं और उसी निर्णय से गांव चलता है। 1860 के दशक में अंग्रेजों ने इन ग्राम सभाओं को तोड़ने के लिए कानून बनाया, क्योंकि वे समझ गए थे कि जब तक ग्राम सभाएं नहीं तोड़ी जाएगी तब तक अंग्रेजों की बुनियाद इस देश में
नहीं टिकेगी। उन्होंने कानून बनाकर कलेक्टर राज कायम किया। सारे अधिकार जो पहले लोगों के पास थे, ग्राम सभाओं के पास थे, वे सारे अधिकार उनसे छीन कर एक अंग्रेज कलेक्टर को दिए गए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो दुर्भाग्यवश जनताओं को, ग्राम सभाओं को जो अधिकार थे उन्हें लौटाया जाना था, लेकिन वैसा ना करके एक अंग्रेजी कलेक्टर की जगह पर एक भारतीय कलेक्टर को बैठा कर सारी की सारी व्यवस्थाएं आज भी वैसे ही बरकरार रखी गई। अब हमें समझना है कि ये जो स्वशासन है ये बंगाल रेगुलेशन से होते हुए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1874, भारत अधिनियम 1919, भारत अधिनियम 1935 और भारत का संविधान 1950 के पांचवें और छठवें अनुसूची में आता है। तो ये जो भारत का छठवें पांचवें अनुसूची, जिसमें अभी हमारे कई वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें रखी है, और उसी में ये लिखता है कि हम जिस नजरिए से, हम सामाजिक नजरिए से कानून को देखते हैं, संविधान का पांचवें अनुसूची में ये कहता है कि पांचवें अनुसूची क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी जिसके कारण कि उनकी शांति और सुशासन भंग हो। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, आदिवासी इलाकों में पंचायत है, आदिवासी इलाकों में नगर पालिका है। ये दोनों शब्द किसी आदिवासी भाषा का शब्द नहीं है। तो पहले तो सामाजिक दृष्टि से ये विदेशी है। दूसरा, हम लोगों ने चाईबासा नगर पालिका का लड़ाई 2010-11 में लड़ा था, शायद हमारा पहला ऐसा क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल एरिया में जहां हम लोग नगर पालिका को अपने गांव इलाकों से हटवाया। ये 2011 में इसे हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और हम लोग ने ये तो दिखा दिया कि कहीं ना कहीं कानून काम करता है, संविधान काम करता है। दूसरा, पांचवें अनुसूची कहता है कि आदिवासी इलाकों में सिर्फ आदिवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए ही योजना या परियोजना बनाना है। अब गुजरात का स्टेच्यू यूनिटी की अगर बात करें तो पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय विस्थापित किया जा रहा है। तो अब सिर्फ हमारे कल्याण और उन्नति का, तो हमारे कल्याण और उन्नति का बात कौन करेगा? तो आदिवासी प्रतिनिधि या टीएसी या वहां की संगठन, उनसे तो पूछा भी नहीं गया। तो और इन सब चीजों को, शांति और सुशासन एवं उसके कल्याण और उन्नति के लिए राज्यपाल को जो विशेष पावर दिया गया है कि अपवाद और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के कानून को लागू या निरस्त कर सकते हैं। आज ये सब भाषाएं जो है हम आंदोलनकारियों के लिए एकमात्र भाषा एक नारा है, वैसे सरकारी स्तर पर ऐसा होता हुआ हम नहीं देखते हैं। सर आपके पास 2 मिनट और है। ओके, तो अब हमको इन चीजों को समझने के लिए एक तो पहला जागरूकता हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जागरूकता इस रूप में कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारा सामाजिक परिदृश्य उसमें क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो हमें घोषणा पत्र में अधिकार दिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो अधिकार भारत सरकार मान लेती तो पांचवी और छठी अनुसूची का प्रावधान खुद ब खुद लागू हो जाता, लेकिन आज नहीं है। हम आदिवासी सबसे ज्यादा प्रभावित जमीन से होते हैं और जमीन के कानून से। हमने झारखंड में सरकारों को भी बदलते देखा है और मेरे यहाँ एक इचा डैम है, 2070 के दशक से ये बनने का प्रयास हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग संगठित होकर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएसी की बैठक करके उसको रद्द करने का निर्णय लिया। तो ऐसा लगा कि पहली दफा की चलो पांचवी अनुसूची कहीं ना कहीं चल रही है, जिंदा है। तो जमीन की जो लड़ाई है पूरा देश में, पांचवें अनुसूची का पैरा 5 सब पैरा 2 ये कहता है कि जमीन का अंतरण या हस्तांतरण सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के बीच होगा और उस इलाके की जो भी जमीन है वो सिर्फ आदिवासी की है, सरकार की भी नहीं, एक ही जमीन नहीं है। जब इसी प्रावधान पे समता जजमेंट आता है और जो कहता है कि सरकार का एक ही जमीन भी यहां नहीं है, फिर उसके बावजूद भी देश भर में सभी राज्यों में जमीन का कानून जो पैरा 5(2) में है उसको दरकिनार करके नया रेगुलेशन स्टेट लेवल पे बनाया जाता है। जो संविधान सुप्रीम है उसके नीचे बनना चाहिए लेकिन उसको बाईपास करते हुए बनाया जा रहा है। अब हमारे पास क्या विकल्प है? हम अभी 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी, जमीन हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। मैं ये आह्वान चाहता हूं कि हम एक दिन के लिए पूरे देश के आदिवासी
अपने घरों में ना रहने का प्रण करें, तो जो भी हम हैं अपने बच्चे बैल भेड़ बकरी सबको लेके रोड पे ट्रेन लाइन पे सब पे पूरा देश का अगर 12-13 करोड़ आदिवासी रोड पे आ जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उस दिन जमीन पे होगी, क्योंकि सारा संसाधन तो हमारे ही पास है। ये जमीन की लड़ाई के लिए पूरा देश का आदिवासी जिस दिन रोड पे आ गया, भारत और राज्य सरकारें भी रोड पे आएगी, और उस दिन हम अपना जो ये अधिकार की बात करते हैं उसको हम दबाव के साथ सरकारों के सामने रख सकते हैं और अपना हक और अधिकार ले सकते हैं। और उस स्थिति में जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा और भारत का संविधान और स्टेट लेवल का जो कानून जो अभी लोग ध्यान नहीं दे रहा है वो गंभीरता से लेने लगेंगे। मैं अपनी तरफ से इतना ही बात रख के बात को समाप्त करता हूं। बात सर कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को अपनी बातों को रखा और अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से बताया और संवैधानिक कानूनों के बारे में, पेशा कानूनों के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से, और आपका जो संघर्ष जो कर रहे हैं आप अपनी जगह पर उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैं निवेदन करना चाहूँगा अनुपमा मैडम जी से कि वे संक्षिप्त में इन बातों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। थैंक यू बेंजामिन, थैंक यू मुकेश बिरवा जी, इंडीड योर टॉपिक वाज क्वाइट बर्निंग एंड आई वुड लाइक टू कोट व्हाट यू सेड अबाउट रामदयाल मुंडा जी। इट वाज लाइक द वॉर अगेंस्ट द ट्राइबल्स इज डेवलपमेंट। सो व्हाट एक्चुअली इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट फॉर द ट्राइबल्स? आर दे बेनिफिटिंग इन एनी वे अबाउट द डेवलपमेंट? नो, डेफिनेटली नॉट। एंड ऑल्सो it was quite interesting when you mentioned the word displacement. Displacement is not just about the land. The tribals are not being displaced just in context of land, but also their language and culture. And we really need to think about this. It's a very important concept. And am I audible? Yes, you are audible. Okay. Yes, you are audible. Yeah. Go ahead. Yes. Yeah. And thank you, Mukesh Birwaji, for reminding us to take a pledge, actually, that we need to pay back to the society. Yeah, we indigenous peoples, we are the inheritance of the nature, the natural resources that we see in the surroundings, and we are the best preservators. So especially you rightly pointed it out during this time of COVID-19, this is actually the houses and villages of the indigenous people is the safest place right now. And you not just mentioned the problems, but also the solutions which you quoted. The problems you pointed out, the existence of panchayats, for example, is one of the violation to the functionaries of our indigenous community. At the end, I would request we all come together, like you rightly said, to request and then appeal to the ministry to bring the rights recognized by the UNDRIP. If those rights are they start functioning, I'm sure we had the schedule, the fifth and the sixth schedule given by the constitution, that would also be very correctly implemented in our country. We once again thank you, Mukesh Birwaji. Over to you, Benjamin. धन्यवाद अनुपमा जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से मुकेश सर का अनुवाद किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे पास और हमारे भारत के आदिवासियों को आपने संबोधित किया और अपने ज्ञान भरे शब्द से एक बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें और परिभाषाओं को सामने लेकर के आए, स्पेशली डेवलपमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक फिलॉसफी जो इसके पीछे है उसके बारे में आपने हम लोगों का ज्ञान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर ज्ञान के लिए और आपकी सुंदर वाणी के लिए।